हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग का पूजा पाठ हो गया है और इतने सारे पैसे जो माता जी को चढ़ाए थे वो सब। और मैं ना आज चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, तो लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि मतलब दूध है ही नहीं फ्रिज में, दूध सारे ख़त्म हो गए थे। तो माता जी का जो मैंने भजन कराया था ना, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा दूध लाती हूँ और दूध था ही नहीं मॉर्निंग में चाय बनाने के लिए। और मैंने अपने हस्बैंड से भी बोलना, मतलब मैं भूल गई, तो लेकिन मेरे पास दूध का पाउडर मैं फ्रिज में मैंने मतलब डेयरी वाइटनर रखा है, तो उसी के साथ में मैं बना रही हूँ अपनी चाय मॉर्निंग की। के कुआराम के बतावा हे मैया, ऐसे मेरी सास ना मतलब बहुत अच्छा गाना गाती हैं। वीडियो बनाते देखो, मेरी सास बहुत अच्छा भजन करती है। आज मेरी जेठानी के यहाँ भी भजन है, तो चल आज मेरी सास उसी की प्रैक्टिस कर रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। हाँ गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह मेरी सास भी लेती हैं गर्म पानी और मैं भी पीती हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था और चाय बना दी है मॉर्निंग की। तो अब मैं और मेरी सासू माँ चाय पियेंगे। और अब मम्मी घर में रहती है ना, तो मतलब आप लोगों को पता ही, मतलब पहले वाले ब्लॉग में भी, कि मैं और मम्मी ना मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं और अपना साथ ही साथ काम भी करते रहते हैं। तो वो बात करते करते किचन के पास ही आके बैठ गई, नीचे ही बैठ गई, और मैं भी उनसे बात ही कर रही हूँ, अपना साथ साथ काम भी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मतलब मैं ट्रॉली बंद कर रही हूँ ना, तो ट्रॉली में मतलब बहुत सारे बर्तन ऐसे अटक रहे थे, तो अभी उसे सब सेट करके रख रही हूँ। मतलब भजन के दिन ना, या मतलब रेगुलरी में कुछ, मगर मैं कुछ भीड़ वाला काम करती हूँ ना, तो सारे बर्तन को बस मैं अपना काम से हिसाब से ले लेती हूँ और सब कुछ ऐसे गड़बड़ी से मैं रख देती हूँ, तो वही सेट कर रही हूँ। पाउडर की दूध चाय बनी है, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो सोचा कि पाउडर की चाय कैसे बनेगी, लेकिन अच्छी बनी थी, मेरी सास को भी अच्छा लगा, तो पी लेती हूँ मैं। आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये मेरे मतलब सासू माँ का सर में दर्द हो रहा था और फ़ोन भी आ रहा था मॉर्निंग में ही सुबह सुबह। तो यहाँ टाइम भी आप देख सकते हैं कि 9:15 के लगभग हो रहा है। तो हमारा चाय पानी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, और बच्चे लोगों को आज ना जाना है, जैसे आज अष्टमी है और बच्चे लोगों को जाना है कन्या खाने के लिए, बुलाया है, तो बच्चे वही तैयार हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो के चले जाओ, मतलब खाना खा के आ जाओ, फिर पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ सासू माँ का सर दर्द कर रहा था, तो मैंने उनकी मतलब तेल लगाई, तो मैंने सोचा कि चोटी भी उनकी बना के हटा देती हूँ। एक बार उनका बाल बनता ही है, शाम के टाइम बना दूँ या तो सुबह बना के मतलब हटा देती हूँ। तो यहाँ पर इन लोगों को भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी जाना है। तो इनका बाल मैंने कल धोया था और मैंने तेल नहीं लगाया था इनके बालों में, तो मतलब उनके सासू माँ को बाल में तेल लगाया और फिर इन लोगों को भी तेल लगा के इनकी भी चोटी बना बना के इनको भी तैयार करके मैंने बोला कि अब तुम लोग भी चले जाओ और मतलब खा के आओ, फिर पढ़ाई करने के लिए बैठो, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चालू है। तो मैं तो वैसे भेजती भी नहीं, लेकिन क्या करें, मतलब कोई बुलाता है ना तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। और इसमें माता जी में मतलब पूजा पाठ में, और मैं मतलब उसमें बिल्कुल ही नहीं मना कर पाती हूँ। तो यहाँ इसके बालों में तेल नहीं था, तो उसके बालों में मैंने ऑयलिंग कर दी और तेल लगा के उसको मतलब तैयार कर दिया। तो मुझे याद आया कि मुझे भी अपना हेयर वॉश करना है, तो यहाँ मैं भी अपना बालों को मतलब ऑयल लगा लेती हूँ। नहीं तो मैं पता है कामों के चक्कर में ना अपने बालों में ऑयल नहीं लगा पा रही थी, और ऐसे ही हेयर वॉश मैं कर ले रही थी। मतलब बाल गंदे हो जा रहे थे तो हेयर वॉश करना ही पड़ता था, सीधी सी बात है। तो फिर इसीलिए मैं बिना ऑयल लगाए मैं बाल नहीं, मतलब बालों की फिर केयर मतलब वो हो जाता था, इसीलिए मतलब बालों की केयर भी करना पड़ता है कामों के साथ साथ। तो अब मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग के कामों में, और आज जाना है काम वाम सारा निपटा के अपनी जेठानी के यहाँ, क्योंकि मेरे घर पर भजन हो गया, तो आज मेरी जेठानी अपने घर पर भजन करने वाली हैं। तो अब मतलब सासू माँ को मतलब मैंने यहाँ पर उनका बाल विल बना दिया, उनको मतलब अब उनको नाश्ता देना है। तो मैंने सोचा कि पहले जो कपड़ा है खिड़की से निकाल दी हूँ, सूख गया है, इसे खड़े करके रख देती हूँ, और जो कपड़ा सुबह मॉर्निंग में धोई हूँ तो उसे मैं डाल देती हूँ खिड़की में, सूख जाएगा क्योंकि धूप निकल आई है सुबह सुबह बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे मतलब सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, और फिर मेरी सासू माँ को सुबह सुबह उनको मतलब हार्ट का, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्ट का, बीपी का, शुगर का, उनको सारी प्रॉब्लम है।
तो उनको सब मेडिसिन खानी होती है, तो उनको तैयार मतलब उनके लिए ओट्स बना दे रही हूँ। ये ओट्स उनको हल्का फुल्का मतलब रहता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ बच्चे तैयार हो गए तो उनको भेज रही हूँ, कन्या खा के आएंगी। तो आज दोनों का ही मूड चेंज था और दोनों ने ड्रेस अलग अलग पहनी है, नहीं तो उन लोग एक जैसे ही पहनते हैं दोनों, रिद्धि सिद्धि एक ही जैसा कपड़ा पहनती हैं। और आज तो अलग अलग पहन ली, तो सासू माँ को बना के दे रही हूँ ओट्स, और मैं मतलब मैं भी थोड़ा सा उसी में से लेके खा ली। तो इन लोग खा के आ गए, तब तक हम लोग नाश्ता कर रहे थे मैं और सासू माँ, तो तब तक इन लोग खा के आ गई। तो सारा प्रसाद उन लोगों ने छोड़ के लेके वहाँ से आ गई, क्योंकि इन लोगों को यहाँ घर पे आके पढ़ाई करके फिर जाना था ना, तो उन लोग वहाँ पे खा ही नहीं, अपना मतलब खाना उठा के लेके आ गई थी। और यहाँ मैंने लगाया था मोबाइल में मतलब दूसरे वाले टैब में मतलब फुल भजन लगाया था, बहुत ही अच्छा मतलब माता जी का भजन लगाया था, और उसी पर मैं लगी नाचने। तो कभी कभी ऐसा मूड हो जाता है ना कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही, तो वैसे ही फ़नी वाला मूड था। और यहाँ पे देखिए सॉन्ग लगा हुआ है मैंने माता जी का, और इन लोगों ने वहाँ पे खाना नहीं खाया था ना, तो वही खाने के लिए बैठे हैं। और जो वहाँ से कन्या पूजन में से जो पैसा पाती है ना, तो वो उन लोग शुरू हो जाती है अपने पिकी बैंक में डालना, बच्चे लोगों का यही रहता है। तो ये एक उम्र ऐसी ही रहती है कि मतलब बच्चे लोगों को ये मिलता है तो बहुत मतलब अलग सा उनको लगता है। तो अभी तो बच्चे छोटे हैं, खा ले रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो खुद ही नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ मैं अपने कामों में लग गई हूँ मॉर्निंग के, तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब सही कर दूँगी। और ये जो गद्दा है ना, तो एक गद्दे का कवर मैंने कल धो दिया था, अभी दूसरे वाले गद्दे को इसका भी कवर धोऊँगी, और उसका सूख गया था तो उसे लगा के उसे बेड में मैंने रख दिया है। और यहाँ फ़ोन भी आता ही रहता है, मतलब क्या करें, वीडियो बनाना है, काम करना है, लेकिन फैमिली हैं तो फैमिली से बात भी करनी पड़ती है। तो वही मैं अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी मॉर्निंग में, सुबह सुबह मम्मी का एक बार फ़ोन आता है। और यहाँ रिद्धि सिद्धि ने बनाया है अपनी टीचर के लिए कार्ड, क्योंकि आज मतलब अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में इनकी टीचर मॉर्निंग मतलब जो आफ्टरनून बैच की हैं वो अब नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेंगी उन्हें, तो इसलिए अपनी मतलब टीचर के लिए उन लोग बना रहे हैं ग्रीटिंग कार्ड। और मैं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम है तो पहले पढ़ाई कर ले, तो दोनों अब वही अपना पैसा पिकी बैंक में डाल रही हैं। और इस उन लोगों को आ रही है बहुत ज़्यादा खांसी, तो इन लोगों को वही खांसी की दवा मैं पिला रही हूँ, जल्दी पीते नहीं हैं इन लोग, हाथ में आते ही नहीं है तो पियेंगे क्या। तब से वहाँ पे मतलब मेरी सासू माँ बैठी थी, उनको फ़ोन आ गया मेरी जेठानी का कि आप पहले आ जाओ, और मतलब मैं तो काम वीम करके जाऊँगी। सासू माँ को उन्होंने अभी मतलब अपनी बेटी को भेज दिया इनको लेके जाने के लिए, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो सब कुछ बताती हैं टाइम से। तो यहाँ मैं काम विम करके और अपना बालों को धो ली हूँ, जो मतलब मैंने ऑयलिंग लगाया था, बहुत ज़्यादा चप्पू हो गई थी मैं तेल लगा के, तो यहाँ पे हेयर वॉश कर लिया और बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। और यहाँ पे मतलब मैंने बाल धो दिया है, अब मैं तैयार होंगी, मतलब खाना नहीं खाई थी, अब काम वम करके मतलब बाल सुखा लूँगी तब तक खाना भी खा लूँगी। अब तैयार हो रही हूँ, तो मैंने रिद्धि सिद्धि को बोला कि बेटा तुम लोग मत जाओ, आप क्या करोगी वहाँ पे भजन में, आप लोग घर पे ही रहो। लेकिन वो कहीं जाने के लिए हाँ नहीं बोलती है, लेकिन उनकी बड़ी मम्मी के घर पे ही था ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं मामा मैं भी चलूँगी, और उनकी भी बेटी है ना, तो बस वही साथ में बच्चे साथ साथ में हो जाते हैं, तो बच्चों को खेलने में मतलब पार्टनर मिल जाता है ना, तो बस वही खेलने के चक्कर में। तो यहाँ मैं बालों को बस ऐसे ही क्लचर लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और थोड़े से मतलब मेरे बाल जो है ना आगे से ग्रे वाली प्रॉब्लम हो रही है मेरे मतलब बालों में, तो अभी मुझे नवरात्र में तो मैं कलर नहीं कर पाऊँगी। मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ पे, और मैं तैयार हो गई, रेडी हो गई हूँ। कैसा लगा मेरा ये लुक, मेरी साड़ी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो चलते हैं मेरी जेठानी के यहाँ। Oh, Jariya, hum ko jaan ban.
मतलब सभी लोग अब जाने की तैयारी में हैं, तो मैं सबको प्रसाद मतलब जेठानी का हेल्प कर रही हूँ प्रसाद देने के लिए, क्योंकि सभी का मतलब हो गया है भजन हो गया सब लोग, तो मैंने आप लोगों के साथ में थोड़ा सा मतलब उन लोगों का क्लिप शेयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ मेरी जेठानी ये प्रसाद में उन्होंने बनाया था, तो वही मैं मतलब अब सब एक एक करके जा रहे हैं, तो वही मैं दे रही हूँ, अपनी जेठानी का हेल्प कर रही हूँ। और उन्होंने देखो प्रसाद में क्या क्या बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने बनाया है देखिए, यहाँ पे सिंगाड़े का हलवा बनाया है, और आलू सिंगदाना करके उन्होंने मतलब उपवास का ही सब कुछ बनाया है, क्योंकि जो भी कोई लेडीज़ हो तो सब उपवास का सामान ही उन्होंने बनवाया है। और ये देखिए केला है, ये सब उन्होंने प्रसाद में दिया था, और एक जाते समय धूपबत्ती का पैकेट भी मतलब दे दिया था, तो उन्होंने ये किया था, ऐसे ही किया जाता है हमारे यहाँ पे। और ये मेरी मम्मी भी आई थी इन मतलब मेरी जेठानी के घर पे भजन था, तो इन्होंने वही प्रसाद खाने के बाद में यहाँ पे आ गई, गपशप चालू है मेरी जेठानी का मेरी मम्मी का। तो आप लोग का किसी में से कमेंट आया था मेरे वाले भजन में तो आप डांस कर रहे हो, नहीं नहीं तो उस वीडियो में ना मेरी छोटी वाली बहन थी, और आप लोग मेरी मम्मी का और मेरा फेस देख के बताना कि क्या मेरा और मेरी मम्मी का फेस एक जैसा है क्या, क्योंकि मुझे पिछले वाले वीडियो में मतलब किसी ने कमेंट किया था, तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे गॉसिप चालू है मेरी जेठानी और मम्मी का, कोई भी लेडीज़ एक साथ बैठ जाती है ना तो हो जाता है, बातें शुरू ही हो जाती है। तो कुछ ना कुछ मम्मी अपना मतलब डिस्कस कर रही थी वही आरोग्य बारे में। तो यहाँ मैं मम्मी को बताइए फेस देख के, आप लोग देखिए यहाँ पे मैं अपना फेस बता रही हूँ मेरी मम्मी का, मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी यहाँ फ़ोटो नहीं निकल रहा है, वीडियो बन रही है, मम्मी पोज दे रही थी अपना फ़ोटो वाला। तो यहाँ पे देख लो मेरा मेरी मम्मी का फेस मालूम पड़ रहा है एक जैसे हैं। और यहाँ पे जो मतलब पहली बार आए थे मेरी जेठानी के घर पे, तो उनका घर देख रहे थे कि वो मतलब जो नहीं देखे थे मेरी फ्रेंड वगैरह, मेरी जेठानी का घर नहीं देखी थी ना, तो वही ऊपर जाके भी देख रहे हैं, क्योंकि उनका टूप्लेक्स फ्लैट था ना, तो वही देखने के लिए गए थे। और यहाँ पे मतलब सब कुछ हो गया तो मैं आ गई अपने घर पे। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, खुश रहिए।